इट ऑल स्टार्टेड बैक इन 2021 जब मुझे पहली दफा जिंदगी में एक कमरा मिला। लेकिन कुछ मसले ये थे कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हूँ एक अशद लेवल का, एक्सट्रीम लेवल का शेख, और मैं शेख होते हुए इतनी इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है ना, इट्स समथिंग मिरेकुलस इन इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ ना कुछ स्पार्क, कुछ पोटेंशियल और कुछ प्रॉस्पेक्ट नज़र आया है, तभी मैंने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना। एंड विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज, क्योंकि अगर मैं शेख होते हुए तो इन्वेस्टमेंट कर लिया ना, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट अल्लाह के हुक्म से टू मेक एंड प्रोड्यूस एज मच एज पॉसिबल, मच भी और एज गुड एज पॉसिबल भी। दूसरा मसला ये था कि भाई मैंने दिल को राज़ी कर लिया, मुतमइन कर लिया दिल को, अपने शेख के दिल को मुतमइन कर लिया। फिर भी मसला ये था कि भजन जितने खराजात थे उसके कोई क्वार्टर लेवल के भी मेरे पास फंडिंग नहीं थी। फिर मदद की मेरे कुछ ख़ास दोस्तों ने, फिर आए गेम में मेरे कुछ ख़ास दोस्त जिन्होंने थ्रू जैस कैश और पैट्रियन मुझे स्पॉन्सर किया, मुझे थोड़ी फंडिंग दी, और उसके थ्रू अब आपके सामने फ्रॉम दिस माइक टू दिस वेबकैम, थ्रू, ठीक है ना, अपग्रेडेशन ऑफ लैपटॉप से लाइटिंग एंड ऑल ऑफ स्टफ ऑफ द सॉर्ट दैट यू सी। द थिंग इज के मुझे याद है साल पहले तकरीबन, ठीक है ना, बहुत पुरानी बात नहीं करूँगा, साल पहले तक आई डिडंट हैड अ रूम, ठीक है, और मेरे आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस और नॉट, मैं पॉडकास्ट और वीडियोस पहले की बना रहा हूँ, और कुछ कहो टीवी मेरा चैनल था उस पर मैंने पॉडकास्ट किए हैं बड़े बड़े मशहूर लोगों के साथ, जुनेद अकरम के साथ किया हुआ है, हयाज़ अमीन के साथ किया हुआ है, ठीक है, उमर नुमान, बी एल आई कमज़ा, देयर सो मच मोर, सो मैनी मोर, आप चेक कर सकते हैं चैनल को। मुझे याद है उस टाइम पे मैं लिटरली कभी सेन में बना रहा हूँ वीडियो, कभी किचन में बैठ के बना रहा हूँ, कभी रात को लेट नाइट 2-3 बजे रात को शेड्यूल किया पॉडकास्ट, ताकि मैं ड्राइंग रूम में बैठ के खामोशी से, हाँ देखो बात ये है कि ऐसे बोल रहा पड़ रहा था मुझे, ठीक है। तो इट्स अ बिग थिंग एंड आई एम रियली ग्लैड, बाकी द थिंग इज़ के चैनल नीड्स अ लॉट ऑफ मोर हेल्प, ठीक है ना, और अभी काफ़ी छोटी बड़ी मुनासिब चीज़ें रहती हैं क्योंकि हमने अभी इस सेटअप में डाल ली है। सबसे क्रूशल इस पसीने का इलाज, ठीक है, तो आई नीड योर हेल्प, ठीक है। मैं बहुत को ज़्यादा फंडिंग नहीं मांग रहा, कसम से अगर कोई एक आतिफ अंकल और 100 आतिफ अंकल हर महीने का सिर्फ 100 रुपये दे देना, तो दैट वुड बी गुड इनफ, ठीक है। खैर, वीडियो लंबी हो रही है, बात लंबी हो रही है, बात आ रही है कि जब मुझे जिस दिन मुझे ना मैंने वीडियो टल के लिखे वाई एंड हाउ आई स्पेंडेड 50,000 रुपीज़, ठीक है ना, वाई मैं इसलिए लिखा है क्योंकि मैं बताता हूँ वाई, हाउ मैं इसलिए लिखा है क्योंकि मैं शेख हूँ। लोग तो 2-3 लाख का पीसी बनवा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे शेख होते हुए इतने पैसे खर्च करना, ये सही वाली बात थी कि वाओ हाओ। तो खैर, वाई ये था कि आई वॉजंट टू, क्या कहते हैं उसको, कन्विंस्ड कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पैसे बहुत वाफर तादाद में अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर दूँ, ठीक है, अनटिल अनलेस मैंने जब अपना जैस कैश और पैट्रियन सेटअप किया, उससे ऑब्वियसली, ठीक है ना, पैसे तो मिले, फाइनेंशियल हेल्प तो हुई, उसके सबग्रेडेशन में हेल्प मदद मिली, लेकिन उससे एक और चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि देर आर सम पीपल आउट देयर, कोई बहुत बड़ा मजमा नहीं है, लेकिन देर आर सम पीपल आउट देयर हु आर एक्चुअली विलिंग टू पे मी फॉर माई कॉन्टेंट, फॉर माई वीडियोज़, दैट हेल्प मी कि बट बेशक कोई हज़ारों में आवाम नहीं है, 100, ठीक है ना, 500-600 आवाम में नहीं है, 200 आवाम में नहीं, 100 आवाम में नहीं है, लेकिन वो जो 1-2% या फिर 0.5% आवाम है ना, वो भी ऑन इट्स अ गुड बिग थिंग कि भाई कोई बंदे हैं ऐसे दे आर लिटरली विलिंग टू पे मी। तो उसके साथ वो लिटिल पुश्ड कि यार इंशाल्लाह क्वालिटी बेहतर करते हैं अपनी कॉन्टेंट की, अपनी स्पीच की, एज वेल एज अपने बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स की। तो जाने से पहले आपको थोड़ा दिखा देता हूँ रूम टूर, एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। आई होप आपको थोड़ा मज़ा आएगा, इंट्रो वगैरह का थोड़ा सा नया स्टाइल ट्राई किया स्टोरी टाइम का, ठीक है, बाकी आई होप यू हेल्प मी, सपोर्ट मी। हाँ, एक और लास्ट चीज़ कह देता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन लास्ट चीज़ कह देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट करो, ठीक है ना, इट्स ऑब्वियस मैं भी हर किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन इफ़ यू सपोर्ट मी जनरली एंड यू डोंट नो हाउ, तो मैं बता देता हूँ आज एक तरीका बहुत जल्दी।
भाई पता है, आप लोग लाइक कर देते हैं, आप सब्सक्राइब कर देते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, इट रियली मीन्स अ लॉट। लेकिन जो गेम सही गेम चेंजर होता है ना, जो सही गेम चेंजर होता है यूट्यूब पे, वो लाइक सब्सक्राइब नहीं होता। यूट्यूब लाइक सब्सक्राइब वो देखता ही नहीं है। यूट्यूब देखता है ये किस कौन से व्यूअर ने, सब्सक्राइबर्स ने कितनी दफ़ा वीडियो पे क्लिक किया, नई वीडियो पे, और जब क्लिक किया तो कितनी देर तक देखा। अक्सर से लोग हैं जो खोलते हैं 2 सेकंड देखते हैं, लाइक करके छोड़ देते हैं कि भाई मैंने लाइक तो कर दी। ऐसा नहीं होता, उससे बल्कि चैनल गिरता है, एल्गोरिथम चैनल का गिरता है। सीन ये होता है, आप जब देखते हो वीडियो 3-4 मिनट, फिर आपको यूट्यूब एक और वीडियो सजेस्ट करता है, आप वो खोल लेते हो, या फिर मम्मी कहती है बेटा दही ले आओ, तो आप दही लेने चले जाते हो। ठीक है, फिर आप वापस यूट्यूब खोलते हो तो आपको याद आता है कंटिन्यू वॉचिंग, पर वही वाली पुरानी वीडियो दिखाता है आपको 2-3 दफ़ा एटलीस्ट। तो आपको जब वो दिखाते हैं तो आप क्लिक करो उस पर, उसको फिर 2-3 मिनट देख लो। तो उसको पता क्या होता है, उसको पता चलता है यूट्यूब के भाई अच्छा ऐसे लोग जो है ना, वो इस तरह के बंदे का कंटेंट देखते हैं, तो वो मेरा वीडियोस ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली पुश करता है एल्गोरिथम के थ्रू। अभी क्या है, अभी ये है कि मैं सारे दिन का पॉडकास्ट चल गया है, तो सारे दिन के पॉडकास्ट से लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, एक दो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और बहुत ही कम फैक्टर है जिससे ना ऑर्गेनिकली लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर ट्रूली सपोर्ट माई चैनल, ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब से तो होता ही होता है, डोपामाइन हिट मुझे बड़ा अच्छा मिलता है, ठीक है ना, उससे मुझे केमिकल मेरे रिएक्शन दिमाग काम करते हैं, एंड आई गेट मोटिवेटेड बाय इट, मीन्स अ लॉट, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, वीडियो देखना। सबसे पहली बात तो है, अगर आप सब्सक्राइबर है तो आपकी वीडियो खोलना, फिर वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 मिनट देखना, फिर उस वीडियो को बेशक बेशक बहुत लंबे चौड़े ग्रुप्स में शेयर ना करें, लिटरली छोटे भाई को शेयर कर दे कि भाई तू ना देख उसको, बेशक बस शेयर कर दे। ये तीनों चीज़ें जब ज़्यादा 20-30 लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, वो ये तीनों चीज़ें कनेक्ट करते हैं ना, तो वीडियोस ऑटोमेटिकली 20 से अगले 20 हो जाएगी, और अगले 20 से अगले 20 हो जाएगी, तो फिर ना एक स्नोबॉल इफेक्ट होता रहेगा, और इंशाल्लाह चैनल भी ग्रो करेगा और आपकी हेल्प भी काउंट होगी। थोड़ा लंबा कर दिया, लेकिन मैं आपको यूट्यूब का तरीका बता दिया। अक्सर छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, उन्हें सब्सक्राइबर्स मांग रहे होते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन कोई नहीं, वैल्यू दे रहा हूँ, कौन सा मैं कोई यहाँ पे आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, ठीक है ना। अक्सर छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, वो कहते हैं भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं चैनल सब्सक्राइब करो, मैं चैनल सब्सक्राइब करो। उससे होता क्या है, 100-200 लोग सब्सक्राइब तो करें चैनल, लेकिन देखते 10 भी नहीं है, उस चैनल जो है ना डिक्रीब होता है, गिरता है एल्गोरिथम में, पीछे पुश होता है। वेयर कुछ 10 सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन 200 लोग व्यूज़ देख रहे हैं, और जो 10 सब्सक्राइबर्स हैं वो बार बार वीडियोज़ देख रहे हैं, तो उस तरह के 10 और को वीडियो भेजता है, फिर उस तरह के 10 और भेजता है, फिर और भेजता है, फिर और, फिर आपका ग्रोथ जो है फिर बहुत एक्सपोनेंशियल हो जाती है। तो पॉडकास्ट, हाँ एक और बात करते, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन कोई मसला नहीं भाई, आप तो जान हो, कोई देख रहा है तो वो माई लव, ठीक है ना, इंस्टाग्राम आई एम बिलाल, DM me, आई विल रिप्लाई टू यू, वी कैन हैव गुड कॉन्वर्सेशन ओवर देयर, यस। खैर, बाकी पॉडकास्ट आ रहे हैं और इस दीवार पे आ रहे हैं, ये सेटअप तो है ही है ना, यहाँ पे इस दीवार पे आ रहे हैं पॉडकास्ट, और स्टोरी टाइम्स भी आ रही हैं, वो इस दीवार पे आ रही हैं, ठीक है। तो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, जाने से पहले ले देख लें रूम कैसा लग रहा है ओवरऑल, ठीक है ना, आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। बाकी सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन खुदा हाफिज़। Bring it back.